पत्नी की तबीयत नासाज। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने लिया संकल्प, 57 वर्ष के जीवन में हुई गलतियों के लिए बतौर क्षमा शुरू किया स्वच्छता अभियान। सिविल अस्पताल हजीरा में समर्थकों के साथ लगाई झाड़ू, किए अस्पताल के गंदे टॉयलेट साफ, कहा गलतियों के मुंह से क्षमा मांगना ही काफी नहीं, अस्पताल सबसे बड़ा मंदिर है, जहां होती है साफ सफाई वहीं होता है देवी देवताओं का वास, हर रोज 10 मिनट सफाई अभियान चलाने का किया ऐलान। चुनाव में खर्च के लिए मतदाताओं से किए थे एक एक रुपए, उसी में से 50,000 रुपए अस्पताल में साफ सफाई के लिए और 5,000 समर्थकों से इकट्ठा करके दिए अस्पताल में स्लीपर आदि के लिए। उनके सफाई करने को नौटंकी बताने वाले कांग्रेस के तंज पर प्रद्युमन सिंह तोमर का पलटवार, कांग्रेस से पूछा उनके सफाई अभियान को देखकर प्रियंका गांधी सहित अन्य कांग्रेसी क्यों लगाते हैं झाड़ू, आखिर नौटंकी कौन कर रहा है। मतगणना के दौरान कांग्रेस नेता शर्मा के मनमानी करने के आरोपों पर प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा, भारत प्रत्यारोप पर भरोसा नहीं करता, मध्य प्रदेश में सेवा विकास और सम्मान जीत रहा है और 3 दिसंबर को कमल खिल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश में सरकार बनाने के दावों पर प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि सपने देखने से वे किसी को नहीं रोक सकते, 3 दिसंबर तक खूब देखें सपने। देखिए आज मैं हजार बिस्तर के अस्पताल में रात मैंने गुजारी, मेरी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके दौरान मैं रात्रि रहा, बहुत मनन चिंतन मेरे मन में रात पर चलता रहा। 57 साल की उम्र हो गई है, इस 57 साल की उम्र में कई इस सेवक से अच्छे काम भी हुए होंगे, कई काम जाने अनजाने में भी गलतियां भी हुई होंगी। प्रारब्ध में भी कई कमियां रही होंगी, तो उन कमियों को सिर्फ मुख से क्षमा मांगने से ही क्षमा नहीं मिलती है, कोई ना कोई सजा जरूर मिलती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म को ठीक करने के लिए भी मुझे कुछ कर्म और करने चाहिए, और मैं अपने साथियों से भी कहना चाहता हूं। तो आज मन ने यह तय किया के प्रद्युमन सबसे पहले ग्वालियर का शिव अस्पताल, जो एक बड़ा अच्छा मंदिर है, उस मंदिर में भगवान आते हैं, भगवान वहीं वास करते हैं जहां सफाई होती है, लक्ष्मी वहीं वास करती है जहां सफाई होती है। तो आज हमने सबने और व्यक्तिगत इस सेवक प्रद्युमन सिंह ने तय किया है कि ग्वालियर प्रवास के दौरान ये सेवक कोशिश करे कि नियमित रूप से 10 मिनट कम से कम सफाई करेगा, जिससे ये मंदिर स्वच्छ रहेगा तो हमारे यहाँ भगवान भी आएंगे, लक्ष्मी भी वास करेगी, और इससे मेरे साथ साथ हमारे परिवार ग्वालियर का भी भला होगा। ये मन में एक भाव आया, वो उसी भाव के साथ आज हमने स्वच्छता का काम शुरू कर रहे हैं। आज जिस तरह से आपने अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, संकल्प आपने जो लिया है, पूर्व में भी आपने इस तरह के जब काम किए हैं, साफ सफाई के हो चाहे और भी चीज़ें हो, कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती रही है कि आप ये सारे काम करते रहते हैं। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उन्हीं कामों पे कांग्रेस चल रही है। अगर ये सेवक प्रद्युमन सिंह झाड़ू लगाता है और दूसरी तरफ जब आदरणीय प्रियंका गांधी झाड़ू लगाते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ नौटंकी कौन सी है, नाले में सफाई करने वाली नौटंकी है कि कमरे के अंदर झाड़ू लगाने वाली नौटंकी है। संदेश इस पे कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। मतगणना नज़दीक है, ऐसी स्थिति में आज पीसी शर्मा पूर्व कानून मंत्री, उन्होंने कहा है कि गड़बड़ी हो सकती है, बड़ी आशंका है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आप लोग सरकार का। देखिए मैं आरोप प्रत्यारोप में विश्वास नहीं करता, मध्य प्रदेश में सेवा और विकास
और सम्मान जीत रहा है और जीत करके 3 दिसंबर को कमल खिल रहा है और मध्य प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उन्होंने कह दिया है कितना भी दबाव बना लें लेकिन हम 150 नहीं, अब 174 सीटें ला रहे हैं। सपना देखने में मैंने कहा कभी किसी को रोकता नहीं हूँ मैं, मुंगेरी लाल के सपने 3 दिसंबर को 10 बजे तक तो सभी देख सकते, देखना चाहिए, स्वतंत्रता है और अच्छे से देखें, वो बड़ी स्क्रीन लगा लें उसमें देखें, और बड़ी स्क्रीन जो है 3 दिसंबर को 10 बजे के बाद बंद हो जाएगी। उनको क्या दिखेगा उसे स्क्रीन में, बस असीन सपने ही देखते देखते सो जाएंगे।